कैंट थाना अंतर्गत कुसमौदा में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए युवक को साथ ले गए उसके दोस्त पर आरोप लगाया है। घटना के बाद से वो फरार भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कुसमौदा निवासी करण अहिरवार की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक करण जोधपुर भोपाल ट्रेन से सुबह 4 बजे के आसपास घर आया था। इसके बाद वह दोपहर 12 बजे के आसपास बबलू अहिरवार के साथ गया था। बबलू अहिरवार ही उसे 3 बजे के आसपास घर के बाहर छोड़कर चला गया। परिजनों का कहना है कि घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। मोहल्ले के लोगों ने भी देखा। सभी लोगों के कहने पर डायल 100 को सूचना दी गई। पुलिस अस्पताल लेकर आई तो यहां चिकित्सकों ने भी करण को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने युवक के संदिग्ध मौत पर हत्या की आशंका जताते हुए बबलू अहिरवार पर आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि बबलू घटना के बाद से फरार है। हालांकि उन्होंने बबलू के साथ किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े और पुरानी रंजिश से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि मृतक का शरीर हरा पड़ रहा है और उन्होंने और जगह जगह इंजेक्शन के निशान और खून बह रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप मामले की जांच शुरू कर दी है। कहाँ रहते हैं? कुसमौदा जी। कौन जाते हैं? अहिरवार टैक्सी वर्क से आते हैं। क्या लगता है? टेंट। तो बताए क्या हुआ है? जिम हुआ है 4 बजे जोधपुर भोपाल से 4 बजे सुबह जब उतरा था लड़का। आपका लड़का? लड़का मेरा जी। क्या नाम था? करण। उम्र क्या थी? उम्र क्या थी? 23 साल जी। तो लड़का आया घर पे, नहाया धोया बढ़िया, खाना वाना खा के खाना खा रहा था। 12 बजे उसको ले गया बबलू अहिरवार। कहाँ का रहने वाला है? जी जी श्रीराम कॉलोनी का रहने वाला है, कुसमौदा रहता है जी। उसको ले गए फिर मरा मरा 3 बजे पटक गए घर पे। कौन पटक गए? वही बबलू अहिरवार। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एम्बुलेंस बुलवाई, 100 नंबर लगाई, मोहल्ले वाले मना कर दे कि तुम हाथ मत लगाना कि मर गया। फिर 100 नंबर वाले लेके आए थे। 100 नंबर वाले जो पुलिस लेके आई, उसको पुलिस लेके आई जाएगी फिर थाने लेके आई हॉस्पिटल वाले जो गाँव का। इसकी 12 घंटा मत यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मर्द घोषित कर दिया, उसको मर्द घोषित कर दिया। तो क्या किसी पर कायमी हुई है? काम तो यही करिए जो है, जो मैं तो आज उतरी जो भोपाल से। आपको क्या लग रहा है कि उसको मारा गया है? आप बता रहे हैं उसका शरीर हरा पड़ा हुआ है? हरा पड़ा है ना शरीर तो। अच्छा, हाँ हरा पड़ा है। बबलू से बात करी तो क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया? भाग गए, घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? तो इसकी जानकारी आपने पुलिस को दे दी है? दे दी है जानकारी। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे कह रहा है पुलिस वाले को बयान में देना पड़ेगा, बयान होंगे। जब बयान होंगे थाना भी गए थे अभी, कोतवाली गए थे। रिश्तेदार है? कौन है या दोस्त था लड़के? कोई नहीं था, मुझे समाज जाति भाई का कोई पुरानी रंजिश नहीं है हमारी। ये पीते खाते थे कभी कभी, मिल जाते थे। आपको क्या लग रहा है? घटना लग रहा है या फिर हत्या लग रही है? मुझे हत्या लग रही है सर। शरीर पे चोटों के निशान है क्या? हाँ, इंजेक्शन लग रहा है उल्टे सीधे वाले हाथों में। कोई कहीं से खून आ रहा है? कहीं से भी कानों में खून आया था जब उसको मरा लिया गया था, नाक में फसू कर आया था। ब्लड जाते भी आओ तो ब्लड हाथों में से आया था उसके। कब की घटना है जी? जो तारीख 4-2 बजे 1 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की घटना है जी साहब। 3 बजे घर पटक के गया है वो ऑटो में। कितने लड़के थे आपके? मेरे 3 लड़के थे, 4 लड़की है। ये बड़ा है छोटा है? कौन ये सबसे छोटा लड़का था। रत्नागर के एक व्यक्ति से टेलीग्राम पर आए SMS वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से की गई 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पीड़ित ने SP से की शिकायत। गुना जिले के धनाबदा थाना क्षेत्र के ग्राम रत्नागर निवासी फरियादी सीताराम यादव पुत्र मर्दन सिंह यादव ने 6 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी सीताराम यादव ने बताया कुछ दिन पहले उससे टेलीग्राम पर एक SMS आया जिसमें वर्क फ्रॉम होम डिजनी होलीडे नाम की एक लिंक भेजी गई जिसमें इंटरनेशनल होटल बुकिंग करने पर कस्टमर से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर उसको कमीशन दिया जाएगा। ये कहकर 22 लाख रुपए की अभी तक कुल धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में पीड़ित ने 6 अक्टूबर को SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए 22 लाख रुपए की राशि वापस दिलाने की मांग की है। हालांकि पीड़ित सीताराम यादव ने साइबर क्राइम एवं 1930 हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। SP कार्यालय में शिकायती आवेदन देते हुए राशि वापस दिलाने की मांग की। क्या नाम है आपका? सीताराम यादव। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पे 22 लाख की धोखाधड़ी हुई है, ऑनलाइन वर्क फ्रॉड के नाम पे। किस तरह का काम आपको बताया जाता है ऑनलाइन पे?
ये बताया गया था कि आपको इंटरनेशनल जो होटल है उनको केवल बुक करना है, और बुक करोगे आप तो कस्टमर पास रेटिंग जाएगी, और कस्टमर जैसे रेटिंग जाएगी तो कस्टमर क्या होटल बुकिंग के लिए अट्रैक्ट होंगे, और उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तुम्हें कमीशन के रूप में मिलेगा। तो जो आपकी साइट थी वो साइट कौन सी साइट थी, कौन से उससे आया था? डिज्नी हॉलीडे, डिज्नी हॉलीडे के नाम से आपके पास आया? हाँ, डिज्नी हॉलीडे। तो कभी आपकी कस्टमर केयर में उनसे बात हुई उन लोगों से? हाँ, मतलब उनका टेलीग्राम, आपने उनका नाम जाना, कौन थे वो लोग? एक प्रशांत है, एक कीर्तना देवी है, और टेलीग्राम पर उनका एक चैनल बना हुआ है, आज भी काम चल रहा है उस पर, अभी वो लोग एक्टिव है। कहाँ, किस जगह का उनका चैनल? जो 1930 पर तो मैंने कर दी थी 8 तारीख को, उसके बाद 11 तारीख को यहाँ आवेदन दे दिया था साइबर सेल में, उसके बाद से फिर चक्कर ही लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई FIR नहीं हुई है अभी तक। कौन गांव कौन सा? रत्नागिर। रत्नागिर। आपका पूरा नाम? सीताराम यादव। सीताराम यादव। इससे पहले कुछ कहते थे कि आप कि बेरोजगारी थे? बेरोजगारी हूँ, कुछ नहीं करता। कितने पढ़े लिखे आप? ग्रेजुएट। बेटियां महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल रही भाजपा सरकार, युवा कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च, शुरू किया बेटी बचाओ अभियान। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकना और आमजन को ये बताना है कि सरकार महिला सुरक्षा पर पूरी तरीके से नाकाम रही है। गुना में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत शनिवार देर शाम यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल मार्च के साथ की गई। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर युवा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी के संयोजन में निकाले गए मशाल मार्च का प्रारंभ बापू पार्क से हुआ। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर मार्च करते हुए शास्त्री पार्क पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों के भीतर 3 वर्ष से लेकर हर आयु वर्ग की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार की कुछ घटनाएं, जिसमें जिले के गुना, चाचूड़ा, बमोरी, राघोगढ़, आरोन की घटनाओं का उल्लेख किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की वर्तमान सरकार बेटी और महिलाओं को सुरक्षा करने में नाकाम रही है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम होने के बजाय लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बेटी बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत प्रदेश सरकार के नाकामी उजागर करने के साथ साथ मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जाए, ताकि वे बेटियों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनकी जिम्मेदारी सही तरीके से निर्वहन करे। मशाल मार्च में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकर, हरिशंकर विजयवर्गीय, शेखर वशिष्ठ, वीरेंद्र सिसोदिया, आलोक नायक, पंकज कनेरिया, दीपेश पाटनी, रमेश सैंडो सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज जो मशाल रैली निकाली गई है कांग्रेस द्वारा, आज जो मशाल रैली जो निकाली गई है उसका मूल उद्देश्य हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी द्वारा मैं बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। उस शुरुआत के अंतर्गत आज युवक कांग्रेस के माध्यम से मशाल रैली निकालकर और ये संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि आजकल जो बच्चियां हमारी हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप कहीं भी ले लो, रोज पेपरों में और हर जगह बलात्कार और बच्चियों के साथ ऐसे कुकृत्य की घटनाएं रोज हो रही हैं। हम उनकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे समय में हम सब लोगों को पार्टी से ऊपर उठकर अपनी अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए सब लोगों को एक होकर इस निकम्मी सरकार के खिलाफ हम सब लोगों को आवाज उठाना चाहिए। आज इसीलिए हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जिन लोगों को ये प्रोग्राम आया है, उन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जिले के सारे लोग इस अभियान से जुड़ें और इसका हम पुरजोर विरोध करें और हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करें, जिससे ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरे लोगों को इसमें संघर्ष करना पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान के हालात ये हैं कि 3-3 साल की, 5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियों के साथ स्कूलों में, यहाँ वहाँ सब जगह इस तरह घिनौने कृत्य हो रहे हैं कि इनके बारे में बात करना भी हम लोगों को पाप के समान लगता है। धन्यवाद। जय। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में बेटियों के साथ जो यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार, दहेज प्रथा के लिए जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके विरोध में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मुखिया माननीय जीतू पटवारी जी चिंतित हैं कि महिलाओं के साथ इस प्रदेश में रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके विरोध में आज हमने युवा कांग्रेस द्वारा पूरा
मशाल मार्च निकाला गया जिस और भाजपा को यह दर्शाया कि बेटियों की सुरक्षा जरूरी है और आपको बेटियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। मैं और मेरी टीम के साथियों ने आज बेटियों के लिए ये अभियान के तहत, बेटी सुरक्षा अभियान के तहत हमने ये मशाल मार्च निकाला। बच्चों के लिए 10 दिवसीय विशेष योग सत्र का आयोजन। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश का भविष्य स्वस्थ होगा। वर्तमान समय में बच्चों की बदलती दैनिक दिनचर्या और आहारचर्या से बच्चों में कई गंभीर बीमारियां जन्म ले रही है। बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बीमारियों को योग से कैसे हल किया जाए, एक कदम स्वास्थ्य के लिए बच्चों के लिए, इस वाक्य के उद्देश्य को लेकर बच्चों ने 10 दिवसीय योग शिविर सत्र का आयोजन योगाचार्य महेश पाल द्वारा गायत्री मंदिर सेकंड फ्लोर पर 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर सुबह 7:30 से 9:30 तक किया जा रहा है, जिसमें योगाचार्य महेश पाल द्वारा बच्चों से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों से संबंधित योग सत्र से योग अभ्यास के अंतर्गत आसान प्राणायाम, ध्यान, सटकर मुद्रा, प्रत्याहार, योगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्वास्थ्य प्रश्वास का अभ्यास, सूर्य नमस्कार, आज्ञा चक्र पर ध्यान आदि का अभ्यास कराया जाएगा और बच्चों की दैनिक दिनचर्या और आहार जैसी चर्चा को इसमें शामिल किया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वर्तमान समय में बच्चे जन्म से ही बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन बीमारियों के साथ गुजरता है और वह स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। वर्तमान समय में बच्चों से जुड़ी समस्याएं जैसे हाइट न बढ़ना, दुबलेपन का शिकार होना, चिड़चिड़ेपन का शिकार होना, अत्यधिक क्रोध का शिकार होना, आलस और सुस्तपन का शिकार होना, अत्यधिक मोटापे का शिकार होना, इम्यूनिटी वीक हो जाना, अनियंत्रित शारीरिक विकास, कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार होना, आंखों की समस्या से जूझना, मानसिक तनाव, उच्च संस्कार विकसित न होना, जैसे कई समस्याओं से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं और वह जिंदगी भर समस्याओं से घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं और उन्हें जीवन में कई असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हमारे देश का भविष्य, अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे देश का भविष्य भी स्वस्थ रहेगा और वह अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे। योग से बच्चे स्वस्थ तो बनेंगे, उनका मानसिक विकास होगा और उनके अंदर अच्छे संस्कार भी विकसित होंगे, जिससे वह सफलताओं को प्राप्त करते हुए राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने में सक्षम बनेंगे और उच्च व्यक्तित्व का निर्माण कर समाज में अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। नमस्कार, मैं योगाचार्य महेश पाल। जैसा कि वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि वर्तमान समय में बच्चे काफी विभिन्न प्रकार की समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए इसी उद्देश्य हम 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक 10 दिवसीय विशेष योग सत्र का आयोजन गायत्री मंदिर के सेकेंड फ्लोर पर हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी बच्चे उपस्थित होकर उसमें स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में बच्चे जिनकी अनियंत्रित हाइट या अनियंत्रित शारीरिक विकास न होना, मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहना, पढ़ाई में मन न लगना, या बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहना, इन छोटी छोटी समस्याएँ एवं जो आँखों की संबंधित समस्याएँ, इन सभी समस्याओं से लेकर विशेष योग सत्र का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी सत्र में सम्मिलित होकर स्वास्थ्य लाभ लें और आपको आपके आहारचर्या और आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी व्यवस्थित होनी चाहिए, उस विषय पर भी विस्तारपूर्वक अनुभवी योग शिक्षकों के माध्यम से विशेष जानकारी दी जाएगी। आप सभी एक साथ उपस्थित होकर इस योग विशेष योग सत्र में स्वास्थ्य लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम समाज का ज्ञापन महंत यति नरसिंह गिरी पर एफआईआर की मांग। यूपी के गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में डासना देवी के महंत यति नरसिंह गिरी महाराज द्वारा दिए गए बयान की मुस्लिम समाज निंदा करते हुए ज्ञापन सौंप कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज मुस्लिम समाज द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 29 सितंबर को महंत यति नरसिंह गिरी महाराज ने गाजियाबाद में हिंदी भवन में कार्यक्रम में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि और सल्लम को लेकर अत्यंत अपमानजनक बातें कही थी, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। मुस्लिम समाज ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हमारा देश प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ अगर प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की अगर गहराई से अगर नजर डाली जाए इस पे, तो यहाँ पे इस चीज किस चीज की जरूरत है आज हमारे देश को? हमारे देश को जरूरत है अमन, शांति, सद्भाव, जनहित, राष्ट्रहित, भाईचारे की जरूरत है। और जो लोग इसके खिलाफ जो बात करते हैं, इसके खिलाफ जो भाषण देते हैं, इसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, वो लोग देश के हितेशी नहीं, देश के एक नंबर दुश्मन है। ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए और एक्शन के बाद ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए।
ये इसी उम्मीद के साथ आज हमने जो ज्ञापन दिया एस पी साहब को, क्योंकि हमारे किसी भी जिले के अमन शांति के देवता होता है एसपी, ये बात हमने एसपी तक पहुंचाई। एसपी साहब महोदय ने इसे गौर किया, धन्यवाद। जो ज्ञापन दिया गया मुस्लिम समाज द्वारा किस लिए दिया गया? जैसा कि समूचे हिंदुस्तान को जानकारी है और समूचा विश्व जानता है कि यूपी के अंदर, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक बहन थे यति हिरानंदानी, उसने जो हमारे सरवर कायनात हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो आप शब्द कहे हैं, जो बदतमीजी की है, उसको लेकर गुना जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, समूचा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक आक्रोश व्याप्त है और सभी की एक ही मांग है कि ऐसे नामुराद को, ऐसा जिसको महंत कहने में भी हमें शर्म आती है, वो जो महंत किस काम का, जो हिंदुस्तान की एकता को तोड़े, हिंदुस्तान को कमजोर करे, हिंदुस्तान के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़े, उसने यदि कोई गलती की है तो उसके खिलाफ समूचा मुस्लिम समाज एक मांग कर रहा है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी न किया जाए, गिरफ्तार कर जेलों के पीछे डाला जाए और कई महीनों तक जिस तरीके से हमारे एक मौलाना साहब की, अजहरी साहब की महीनों तक जेल में रखा गया, एक इसी तरीके के एक वक्तव्य को लेकर, तो आज जब इस तरीके का वक्तव्य ये यति महाराज ने दिया है, मैं तो फिर भी महाराज कहने में सम्मान दे रहा हूँ, ये कहने लायक भी नहीं है, इन्होंने कहा इनके साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाए। हिंदुस्तान का, हम वतन परस्त मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान का संविधान एक है, जब अजहरी साहब के साथ जिस तरीके की कार्रवाई की गई तो उसी तरीके की कार्रवाई ये महंत यति हिरानंदानी के साथ की जाए, हमारी ये मांग है। और इसी को लेकर आज गुना जिले का मुस्लिम समाज आक्रोशित है और आक्रोशित होकर आज यहां से एक रैली निकालकर SP महोदय को ज्ञापन देकर, आवेदन देकर एक मांग की गई है कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। गुना गरबा में जमकर थ्री के पार्टिसिपेंट्स लायंस क्लब सेंट्रल का दो दिवसीय आयोजन, SP ने आरती कर की कार्यक्रम की शुरुआत। लायंस क्लब गुना के सेंट्रल द्वारा आयोजित दो दिवसीय गरबा की शानदार शुरुआत शनिवार को हो गई है। एक निजी गार्डन में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन हजारों की तादाद में नागरिक गरबा करने पहुंचे, माता की आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद नागरिक गरबा करते हुए जमकर थ्री के लायंस क्लब गुना सेंट्रल के अध्यक्ष नवल सोनी ने बताया कि क्लब द्वारा पिछले 12 वर्षों से गरबे का आयोजन किया जा रहा है। 8 दिन पहले से ही प्रैक्टिस की शुरुआत होगी। पिछले एक महीने से क्लब इसकी तैयारियों में लगा हुआ था। रविवार को मुख्य आयोजन में बाहर से सेलिब्रिटीज भी आएंगे। पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ और SP संजीव कुमार सिन्हा ने माता की आरती उतारकर किया। माँ दुर्गा की आरती के बाद सभी पार्टिसिपेट ने अपने सर्किल में गरबा शुरू किया। इस दौरान लोग अलग अलग आउटफिट में नजर आए। गरबे के दिन दो स्टेज बनाए गए थे, जहां पहले 8 दिनों से प्रैक्टिस कर रहे नागरिकों ने खूब गरबा किया। पहले दिन आए नागरिकों ने इसके बाहर गरबा किया। गरबे के लिए 8 दिन से प्रैक्टिस चल रही थी। भोपाल से आए ट्रेनर्स ने गरबे की प्रैक्टिस कराई। वहीं पहले दिन महाराष्ट्र से आए बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। बैंड के गीतों पर पार्टिसिपेंट्स ने गरबे के स्टेप्स भी किए। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने पारंपरिक मारवाड़ी ज्वेलरी जैसे घुंडी, बोर, हथफूल, नथनी, गले का हार और बाजूबंद पहनकर महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। केंद्रीय मंत्री संध्या 7 को बमोरी में और 8 को गुना में। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना संसदीय क्षेत्र को संशोधित दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 7 अक्टूबर सोमवार को बमोरी विधानसभा में बूथ सम्मान कार्यक्रम में शाम 6 बजे बमोरी में सम्मिलित होकर बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। इसके बाद गुना होते हुए अशोकनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। अगले दिन मंगलवार 8 अक्टूबर को स्थानीय जी के गुना गार्डन में शाम का 7 बजे गुना विधानसभा के बूथ सम्मान समारोह में कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसको लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सगरवाल ने रविवार को गुना और बमोरी में आयोजित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर बमोरी मंडल अध्यक्ष हरि सिंह यादव, मोती लाल धाकर, मोहित नामदेव, राजू धाकर, गिरिराज पटेल सहित बमोरी मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोटरी निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 85 रोगियों का हुआ नेत्र परीक्षण, 30 मरीजों को मिलेगी नेत्र ज्योति। जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति के अंतर्गत रोटरी क्लब गुना और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर के तत्वाधान में रोटे प्रदीप लोढ़ा की पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री प्रताप चंद्राजी लोढ़ा की पुण्यतिथि में निःशुल्क नेत्र और शुगर BP जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन रविवार को रोटरी भवन गुना में किया गया। निःशुल्क नेत्र शिविर में सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल पटेल और
और चिकित्सा दल द्वारा 85 से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें 30 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित कर सदगुरु संकल्प नेत्र चिकित्सालय लटेरी भेजा गया। इससे पूर्व शिविर का शुभारंभ रोटरी अध्यक्ष जितेंद्र खुराना, सचिव मोहन अग्रवाल, प्रदीप लोढ़ा, शिखर चंद जैन, प्रवीण सोमानी, गिरिराज अग्रवाल, शंभुनाथ तिवारी, डीएन नखीरा, इंजीनियर संजीव गर्ग, सतीश चंद्र टांटिया, भगवती प्रसाद मज्जे द्वारा रणछोड़ दास जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर सतगुरु कैंप इंचार्ज दास सिंह जाधव, धर्मराज यादव, मिलन बघेल, मोहन सिंह जाधव, नीतीश सेन सहित रोटरी सदस्यों ने इस शिविर में उपस्थित होकर नर सेवा ही नारायण सेवा भाव से सेवा कार्य किया। म्याना उपखंड में निकला आरएसएस का पथ संचालन, सम्मिलित हुए कई गांव के स्वयं सेवक। म्याना में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा एक पथ संचालन निकाला गया, जिसमें म्याना और म्याना के आसपास के अनेक ग्रामों के स्वयं सेवक सम्मिलित हुए। हम आपको बता दें कि म्याना में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वयं सेवकों ने पथ संचालन में भाग लिया और सर्वप्रथम सभी स्वयं सेवक म्याना के कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल पर एकत्रित हुए, जहाँ गुना से तुलसीदास दुबे द्वारा आरएसएस की नींव रखने वाली डॉक्टर केशव बलिराम हेटगेवार और गुरु जी शिव गोलवलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और गुना जिले से आए तुलसीदास दुबे द्वारा बौद्धिक दिया। इसके बाद कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल से पथ संचलन की शुरुआत हुई। पथ संचलन म्याना के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंत में पटेल भवन पर समापन हुआ। म्याना में पथ संचलन का अनेक जगहों पर स्वागत किया गया। सभी ग्रामीण जन पथ संचलन में सम्मिलित हुए। स्वयं सेवकों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई और पथ संचलन का स्वागत किया गया। अंत में पटेल भवन में पहुंचकर पुनः बौद्धिक दिया गया और अल्पाहार करने के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी गोपाल चौबे के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पथ संचलन के आगे और पीछे चलते रहे। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। आदिवासी समुदाय ने भूटीपुरा में नवरात्रि के अवसर पर गरबा कर मनाया उत्सव। बमोरी तहसील के भूटीपुरा गांव में आदिवासी छात्र संगठन जैस की टीम द्वारा नवरात्रि के अवसर पर सामूहिक सांस्कृतिक नृत्य और आदिवासी गरबा डांस का आयोजन किया गया। आदिवासी समुदाय के लोग हर साल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व यहाँ मनाते हैं। इस बार भी भूटीपुरा में नवरात्रि की झांकी के दौरान माता की विशेष झांकी सजाई गई है। जैस की टीम द्वारा प्रस्तुत इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आदिवासी परंपराओं की झलक देखने को मिली। खासकर आदिवासी गरबा नृत्य में स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और माता के जयकारों के साथ नृत्य किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करना है और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना था। आदिवासी समुदाय के इस आयोजन में बड़े संख्या में सभी वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के संकल्प के साथ माता के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित की। म्याना की मस्जिद वाली गली में एक कच्चे मकान की दीवार भरभराकर बीती रात में गिरी, बड़ा हादसा होने से बचा। गुना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत म्याना के मस्जिद गली में एक मकान की दीवार बीती रात में भरभराकर गिर गई। 6 अक्टूबर की सुबह सामने आई जानकारी में घटना 5 और 6 अक्टूबर की रात 12 से 1 बजे के लगभग की बताई गई है, जहां पर गुना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत म्याना कस्बे के मस्जिद गली में अयूब खान के कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। हालांकि रात होने से रास्ते पर कोई राहगीर नहीं था, अन्यथा कोई हादसा हो सकता था। सुबह राहगीरों को आने जाने में परेशानी को देखते हुए रात में ही स्थानीय मकान मालिक अयूब खान सहित आस पड़ोस के लोगों द्वारा मदद करते हुए रास्ते से मिट्टी के मलबे को हटाकर रास्ते को क्लियर किया गया। राधा कॉलोनी स्थित जिला कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की प्रेस वार्ता। खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रशिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। गुना जिला मुख्यालय पर गुना शहर के राधा कॉलोनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला कार्यालय पर 6 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने खेल और युवा कल्याण विभाग के कुछ प्रशिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर पूर्व में लगे कई आरोपों को भी खुलासा करते हुए परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। पिछले कई वर्षों का डाटा भी प्रेस वार्ता में बताया गया, जिसमें अनियमितताएं बताई गईं। इस मामले में कार्यवाही की मांग प्रशासन द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। शिक्षा के साथ साथ खेलों के मैदानों में भी काम करते हैं कि अपने देश का नाम और ओलंपिक दुनिया से ओलंपिक में हम देख रहे हैं कि मेडल आ रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य का विषय यह है कि अपने गुना नगर में
और गुना जिले नूरपुर में कोई ऐसी सुविधा नहीं है और कोई लाभ आते हैं उनसे भी विद्यार्थियों को वंचित रखा जाता है। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं और विगत दिनों को हम लोगों ने एसपी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा था और लगभग 9 सूत्रीय मांगों के साथ उनको ज्ञापन दिया था कि 48 घंटा का समय देते हुए कि इन पे कोई एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और जो शिक्षा विभाग में लोग बैठे हुए हैं खेल विभाग में उनका है कि वो तो ऑफिस कभी आते नहीं, दूसरों को प्रभार दे रखा है और जिनको प्रभार दे रखा है वो इतने भ्रष्ट हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, ना तो विद्यार्थियों को कोई चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। और हम देखेंगे अपने पुना नगर में जो खेल के मैदान है उनका क्या स्तर है, करोड़ों रुपए के ग्राउंड हमको यहाँ पे मिले हैं पुना में लेकिन ना तो उनका ये पता है कि उनका मेजरमेंट क्या है, ना उनको सुचारू रूप से चलवा पा रही है या भ्रष्टाचार में शामिल है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और विद्यार्थी अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे गुना से भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो भी आगे जाए अपने शहर का नाम रोशन करें लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं उनको न मिलते हुए और पता नहीं किसकी जेब में उनका पैसा चला जा रहा है, एसपी साहब इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, खेल विभाग का भी कोई ध्यान नहीं है। इसको लेके हमने आज प्रेस वार्ता रखी है और प्रशासन को इससे अवगत कराना चाहते हैं। 48 घंटे का समय देते हुए उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं है। सोनाली बिल्डर्स विथ मटेरियल वर्क, अगर आप अपने सपनों का घर उचित दाम में बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। विकास झा, मोबाइल नंबर है 8770089448। एलिवेशन डिजाइन विथ वास्तु, कामधेनु सरिया, बिरला उत्तम सीमेंट, डिजिटल टाइल्स, हैवेल्स इलेक्ट्रिक मटेरियल, फिनोलेक्स पाइप, 12W 3W लाइट, ऑफिस हनुमान कॉलोनी गुना, MD तरुण जैन, मोबाइल नंबर 9893057151। विकास झा बी सिविल, मोबाइल नंबर 8770089448।